नरसिंहपुर से जहां विधायक जालिम सिंह पट्टल ने दिया बड़ा बयान, मुख्यमंत्री कमलनाथ को बताया मधु का आदि। मुख्यमंत्री चाहते हैं घर घर बिके शराब, मध्य प्रदेश को बना रहे मधुशाला प्रदेश। जालिम सिंह का बड़ा आरोप, कमलनाथ ने संपूर्ण जीवन किया मधु का उपयोग। कमलनाथ चुनाव में हर गांव में हजारों पेटी बांटते हैं शराब, शराब की हो रही होम डिलीवरी, गांव गांव घर घर में बिक रही है शराब। प्रदेश का मुखिया ही चाह रहा प्रदेश में घर घर बिके शराब, शराब की वजह से युवा पीढ़ी हो रही बर्बाद। जालिम सिंह पटेल ने कहा किसी कीमत पर नहीं बिकने देंगे शराब, शराबबंदी के लिए करेंगे आमरण अनशन। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया ने जालिम सिंह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा लखन घनघोरिया ने, आइए सुनते हैं। संवाददाता नरसिंहपुर सुमित साहू। क्या है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, चुनाव में भी उनका बड़ा, जब वो चुनाव लड़ते हैं तो गांव-गांव हजारों पेटी शराब बांटते हैं शराब के माध्यम से। तो उनका ऐसा मानता हूँ कि जो हमारे युवा हैं, इन युवाओं को बचाने के लिए नशे से हमको बचाना पड़ेगा। मगर हमारी जब सरकार थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नर्मदा जी के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर दूरी तक जितनी भी शराब की दुकान थी, हमारे जिले में लगभग 17 दुकानें बंद हुई, मेरी विधानसभा की 7 शराब की दुकानें बंद हुई हैं। मगर वो 5-5 किलोमीटर में अगर वो उन्होंने कहा है तो ऐसा मानता हूँ वो हर गांव तक अभी भी शराब बट रही है, घर घर बिक रही है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। उससे बहुत सारे हमारे युवा एक्सीडेंट में ख़त्म हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े करते हैं, घर में उसमें चोरियाँ बढ़ रही हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं नशे के माध्यम से। और नशे से कोई व्यक्ति ना कोई शारीरिक रूप से ना बेचारे रूप से मजबूत हुआ है, शराब बेचने वाला बनाने वाला, तो वो उसमें उस श्रेणी में सम्मानी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उद्योगपति हैं, वो कहते हैं उसमें आय बढ़ने वाली है। और कोई व्यक्ति नशा करता आप अस्पतालों में देख लो, उससे ज़्यादा उसको दवाइयों में पैसा लग जाता है। तो ये सोच गलत है, और मैं उसका ताकत से साथ विरोध करूँगा, अभी भी कर रहा हूँ। उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा, सारे की सारे आंदोलन से लेके जनजागरण से लेके अनशन भी, तो अनशन भी उसमें करूँगा, तो अमरण अनशन भी करने वाला हूँ उसमें। शराबबंदी नहीं, शराबबंदी होना चाहिए इस प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को और विशेष करके तमाम जो पूर्व मंत्री हैं उनको इस बात का भान होना चाहिए कि 15 साल वो सरकार में रहे, 15 साल जब सत्ता का संचालन कर रहे थे तब उनने कौन कौन सी चीज़ें की हैं। हम आंकड़ों के सहित बात करते हैं कि उनके समय पे 891 शराब की दुकानें बढ़ी थी, आंकड़ों पे बात करते, कोई बातें नहीं करते। और तो और कौन को स्वभाव का है, किसकी क्या देते हैं, किसका क्या चरित्र क्या आचरण, कम से कम वो लोग आक्षेप ना लगाएं जिनका आचरण भी उसमें डूबा हुआ रहा हो। यदि हम देखें तो हमारे नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज हैं, लेकिन इनने ये समझाइश कभी अपने समय के मुख्यमंत्री को नहीं दी। आज ये हाय तोबा मचा रहे हैं, और सच्चाई तो ये है कि एक सत्ता छीनने का एक मलाल, और सही कहें कि ये बोरिया गए, कुछ भी उलझलूल बकने लगे हैं। घर घर गांव गांव और होम डिलीवरी की तो सबसे ज़्यादा प्रदेश भर में उठा के आप देखें तो इस अवैध कारोबार में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर नेता लिप्त है।